स्ट्रक्चर क्या दे रखा है, तो स्ट्रक्चर देखिएगा। पेज नंबर सेकंड पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी बात कर रहे हैं, 17th पर, सॉरी। यहाँ पर पांच कार्बन एटम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर कैसे है वो देखिएगा। तो आप ये देखिएगा, ये स्ट्रक्चर हमको दे रखा है। अब इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो हम ये काउंट करेंगे, जब ये बोल रहे हैं कि पांच, यहाँ पर नेम द ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ऑफ C5H12 हाइड्रोकार्बन एज शोन। C5H12 यानी कि पांच तो कार्बन है ना, और हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, तो वो काउंट करिए जरा। देखिए 1 2 3 4 5, पाँच तो कार्बन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 जो है वो हाइड्रोजन दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में जब इसकी मतलब नंबरिंग और नेमिंग करनी पड़ेगी, तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। आप ये देखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले मुझे देखना है सबसे लंबी चार कार्बन चेन कितने कार्बन एटम्स की है, तो वो है 1 2 3 4, फोर कार्बन एटम्स की, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ फोर कार्बन एटम्स, सबसे लंबी चेन जो है वो चार कार्बन एटम्स की है। लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ फोर कार्बन एटम्स। अच्छा, फिर इसके बाद जब इसकी साइड चेन देखेंगे, तो हमें साइड चेन दिखाई दे रही है कि साइड चेन बस केवल एक ही है, ये CH3 वाली है ना। मैंने आपको बताया भी था कि CH3 का मतलब क्या हो गया, जैसे CH4 होता है, तो CH4 तो मीथेन होता है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो मिथाइल बन जाता है, CH3 वो मिथाइल बन जाता है। अब आप ये करें कि आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे इथेन है, इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इथाइल बन जाएगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे ना, लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चंस आए हैं, या NCERT के क्वेश्चन या लखमीर सिंह के उठाकर देखेंगे, तो आप ये देखोगे कि मिथाइल के अलावा और कोई साइड चेन दे ही नहीं रखी है ना। तो मिथाइल ही सबसे ज़्यादा कॉमनली आपके पास आता है साइड चेन के मामले में, ठीक है। तो ये CH3 मतलब मिथाइल हो गया। अब जब नंबरिंग करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4, ऐसे कर सकते हैं नंबरिंग, या राइट से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4। तो अगर लेफ्ट से राइट करेंगे तो मिथाइल आ रहा है सेकंड पोजीशन पर, और अगर राइट से काउंट करेंगे तो मिथाइल आ रहा है थर्ड पोजीशन पर। तो जो शॉर्टेस्ट पोजीशन आए वहां से आपको काउंटिंग करनी है, वहां से आपको नंबरिंग करनी है। तो लेफ्ट से जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो लेफ्ट से अगर नंबरिंग करेंगे तो लेफ्ट से ये नंबर 2 पर आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया 2 मिथाइल, और सबसे लंबी कार्बन चेन चार कार्बन एटम की, चार मतलब ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सही है, सही है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया। अच्छा जी, तो एक तो ये चीज हुई, उसके बाद शॉर्टेस्ट, ये रूल है IUPAC नॉमनक्लेचर का, मतलब नेमिंग करने का ये रूल है कि आपको सबसे मतलब वो वाला पाथ ढूंढना है जहाँ से हमारी साइड चेन जो है शॉर्टेस्ट नंबर पर आए। जैसे CH3 यहाँ से सेकंड नंबर पर आ रही है, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, तो थर्ड नंबर पर आएगी, तो मुझे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पोजिशन है वो देखनी है, ठीक है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, समझ में आ गया नाम इसका सभी को, बताओ दर्शित, क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, सभी को क्लियर है, हाँ, राबिया और मुकुंद, प्रियांशी, स्पर्श, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन में, नेम द ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ऑफ C5H12 हाइड्रोकार्बन एज शोन। वो फिर से C5H12 दे रखा है अगले क्वेश्चन में, लेकिन इस बार स्ट्रक्चर कुछ और दे रखा है, तो वो स्ट्रक्चर देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पेज नंबर 17 पर ही जो अगला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट दे रखा है, तो वो स्ट्रक्चर देखिएगा क्या है। वन टू
थ्री, तो तीन कार्बन एटम तो इस तरह से दे रखे हैं। ठीक, ये इस तरह से दे रखा है। अब आप ये देखिएगा, नेम द ब्रांच चेन स्ट्रक्चर C5H12 हाइड्रोकार्बन एज शोन। तो यहाँ पर हमको ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है C5H12, काउंट कर लीजिए सबसे पहले। ऐसे तो कोई जरूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार काउंट कर लेते हैं, कई बार गड़बड़ हो जाती है। ये स्ट्रक्चर लिखा कुछ और है और देख कुछ और रखा है। अब इन्होंने बोला है ना C5H12, तो एक बार देखते हैं वही है या नहीं है। तो एक दो तीन, तीन कार्बन तो है ही, चार और पाँच, तो यानी कि टोटल पाँच कार्बन एटम दे रखे हैं। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब 12 हाइड्रोजन एटम्स भी दे रखे हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप ये देखिएगा कि जब इसकी सबसे लंबी कार्बन चेन की बात करते हैं, तो सबसे लंबी कार्बन चेन अगर आप ऐसे काउंट करो 1 2 3, तो भी तीन कार्बन एटम की आ रही है। अगर आप लेफ्ट टू राइट काउंट करो, तब भी तीन कार्बन एटम की आ रही है। तो आप लेफ्ट टू राइट जाइए या टॉप टू बॉटम जाइए, हर तरह से कार्बन की चेन जो है वो तीन कार्बन एटम की आ रही है। आगे चलते हैं। तो जब ये तीन कार्बन एटम की आ रही है, तो मैं आसान वाली लेता हूँ, लेफ्ट टू राइट वाली। तो अगर अब अगर ये सबसे लंबी चेन है, सबसे लंबी चेन अगर ये है, तो मैं इसको लिखूंगा लॉन्गेस्ट चेन लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ थ्री कार्बन एटम्स। तो जो सबसे लंबी चेन है वो तीन कार्बन एटम्स की है ना। एक तो ये दे रखा है। उसके अलावा जब ये सबसे लंबी चेन तीन कार्बन एटम की है, तो साइड चेन देखेंगे, ये वाली जो चेन है, ये ऐसे ही ये वाली जो चेन है, ठीक है, ये क्या दे रखा है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, मिथाइल दे रखा है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये जब हमको मिथाइल दे दिया, अब मैं इसकी जो सबसे लंबी कार्बन चेन है इसको अगर मैं देखूं, तो ये तो हो गई तीन की, मतलब ये तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं इसको, जो सबसे लंबी चेन होती है उसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। उसके बाद एक साइड चेन ऊपर है, एक साइड चेन नीचे है, यानी कि एक जो चेन ऊपर है वो भी मिथाइल है, एक जो नीचे है वो भी मिथाइल है, मिथाइल मिथाइल दे रखा है ये। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर अब जब नंबरिंग करेंगे, तो आप ये करें 1 2 3, तो ये मिथाइल मिथाइल, ये ऊपर और नीचे दोनों सेकंड पोजीशन पर आ रहे हैं। राइट टू लेफ्ट करो तो भी 1 2 3, तब भी ये सेकंड पोजीशन पर ही आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप 1 2 3 कर लो ऐसे, 1 2 3, तो आपको राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट इस हिसाब से करना होता है कि जो साइड चेन है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पोजीशन पर आ जाए। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब ये टू पर आ रहा है, ये वाला मिथाइल भी और ये वाला मिथाइल भी, तो क्या लिखेंगे, 2, 2, 2, 2, और कितने मिथाइल हैं, दो मिथाइल हैं, 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बताइए जी, क्लियर? नहीं समझे? ऐसा होता है कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि सबसे लंबी कार्बन चेन कितने कार्बन एटम की है। वैसे अगर देखें तो टोटल कार्बन तो इसमें पांच है, 1 2 3 4 5, लेकिन हमें ये देखना है कि नहीं, एक लाइन में सबसे लंबी चेन कितने कार्बन एटम की हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं तीन कार्बन एटम की है सबसे लंबी चेन। हो गया, तीन कार्बन एटम तो ये हो गए। फिर उसके बाद साइड चेन, अब जो ये CH3 बचा और ये CH3 बचा, इनको क्या कहेंगे, इनको तो साइड चेन ही बोलेंगे ना। तो एक ये हो गया मिथाइल, एक ये हो गया मिथाइल, तो दो मिथाइल हो गए ना, दो का मतलब डाई, तीन होता तो ट्राई ये होता। तो ये इनकी पोजीशन क्या है, इस वाले मिथाइल की भी पोजीशन टू है, इस वाले मिथाइल की भी पोजीशन टू है, तो क्या हो गया, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया। एक साथ नहीं है ना, एक अलग है एक अलग है, मिथाइल इधर अलग है मिथाइल इधर अलग है। अगर दोनों साथ साथ ही होते है ना, एक साथ ही जुड़े हुए होते CH2 CH3 या C2H5 एक साथ होता, तब बोलते इथाइल। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लास्ट ईयर के पेपर भी देखेंगे, तो इथाइल वाला कहीं है ही नहीं क्वेश्चन, कोई तो इथाइल वाला नहीं पूछा जाता है, मिथाइल वाला ही पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, समझ गए होंगे? ठीक है भाई आकृत, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखिएगा
नेमिंग ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड। तो पेज नंबर 18 पर ही मैं नीचे की तरफ हूँ। सबसे पहले है नेमिंग ऑफ C2H4, नेमिंग ऑफ C2H4। नेमिंग ऑफ C2H4, तो जब हम C2H4 की बात करेंगे, नेमिंग ऑफ C2H4, तो जब C2H4 की बात करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इट कंटेन्स अ डबल बॉन्ड, ठीक। और वैसे भी हम समझ जाएंगे, एल्कीन जो होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला हमने देखा कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला यही होता है, CnH2n, ठीक है, CnH2n। तो अगर सी के आगे टू लिखा हुआ है, अगर C के आगे टू लिखा हुआ है तो क्या है, ये तो N हो गया है ना, और H है 4, यानी कि 2 का डबल, तो ये क्या हो गया, ये एल्कीन हो गया। ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हुई। और एल्कीन अगर आता है तो एल्कीन में दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड जरूर आता है, सिर्फ दो के बीच में, है ना, बाकी के बीच में नहीं आएगा। तो जब C2H4 है तो यहाँ तो है ही दो कार्बन एटम, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, और फिर इसके दो बॉन्ड बन गए, तो अभी दो बॉन्ड बनने बाकी हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इसके दो बॉन्ड बन गए, दो बनने बाकी हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो ये हो गया C2H4। बताइए, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखेंगे नेमिंग ऑफ C3H6। नेमिंग ऑफ C3H6, तो C3H6 में क्या है कि भाई फिर से देखिए आप, कार्बन के तीन हैं और हाइड्रोजन के क्या हैं, कार्बन के जस्ट डबल, ठीक है, तो C3H6। तो C डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, तो C डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि कार्बन का इधर दो बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और ये वाला जो कार्बन है इसके दो बॉन्ड इधर बन रहे हैं और एक बॉन्ड इधर, यानी कि तीन बॉन्ड बन गए, तो अभी बस एक और बनेगा। इस वाले कार्बन की बात करें तो इधर सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो अभी तीन बॉन्ड और बनेंगे, तो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो अब जरा देख लीजिए, देख लीजिए, कार्बन एक दो तीन, तीन तो कार्बन एटम है, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इस तरह से ये C3H6 बन गया। C3H6 को क्या बोलेंगे, प्रोपीन। उसके बाद अगला देखिए, नेमिंग ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एल्काइन्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो जब एल्काइन्स की बात होगी तो देखिए, सबसे पहले बोल रहे हैं नेमिंग ऑफ C2H2, नेमिंग ऑफ C2H2। अब देखिए C2H2 इज इथाइन, ये इथाइन है क्योंकि दो कार्बन एटम है ना, तो C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया। अब कार्बन के तीन बॉन्ड बन रहे हैं, तो अभी एक बचा, तो सिंगल बॉन्ड H इधर, इस कार्बन के तीन बॉन्ड बच रहे हैं, तो अभी एक बॉन्ड बचा, तो सिंगल बॉन्ड H इधर, तो कार्बन कितने हैं, दो, और हाइड्रोजन कितने हैं, दो, C2H2 क्या हो गया, इथाइन। सेकेंड है नेमिंग ऑफ C3H4, नेमिंग ऑफ C3H4। तो C3H4 में क्या है, C3H4 का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से बनेगा, ये C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, तो कार्बन के तीन बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो अभी एक बॉन्ड बचा, तो सिंगल बॉन्ड H इधर, तो इस कार्बन के 1 2 3 और 4 ये बन गया। ये कार्बन जो है इसके तीन बॉन्ड इधर बन रहे हैं और एक बॉन्ड इधर बन रहा है, तो इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, इस कार्बन का सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, तो तीन कार्बन और 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन,
तीन कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो प्रोपाइन, ये प्रोपाइन हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है, क्वेश्चन के फॉर्म में है, ये है एक मिनट, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस ठीक है, सर। ओके ओके ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखिए क्या दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 कार्बन एटम्स दे रखे हैं। और फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, यहां आ गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, हेक्साइन, बस कैसे भाई, 6 कार्बन एटम्स हैं और एक दो कार्बन एटम्स ऐसे हैं जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और अगर देखें तो हाइड्रोजन उतने होने चाहिए, कार्बन के डबल से दो कम, तो कार्बन काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कार्बन 6 है, तो 6 का डबल, 6 का डबल करा 12, तो 12 से दो कम, 12 से दो कम कितने हो जाएंगे, 10, है ना, तो 10 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हो गया, ये बन गया C6H10। अच्छा जी, आगे चलते हैं, पेज नंबर 20 पर आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमर्स। आइसोमर्स, आइसोमर्स में है द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। जैसे अभी अभी हमने देखा था कि C5H12 है, तो C5H12 के दो अलग अलग स्ट्रक्चर दे रखे थे और दो अलग अलग स्ट्रक्चर दिए थे, तो जो IUPAC नेम है वो अलग अलग था, लेकिन अगर फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला दोनों का ही C5H12 था। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उनको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। तो आइसोमर्स के एग्जाम्पल अभी देखेंगे, कंसिडर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H10 कॉल्ड ब्यूटेन। ठीक है, अभी देखता हूँ, एक मिनट वेट करिए, बस एक मिनट में आ रहा हूँ।
चलिए जी, तो हमने स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट आइसोमर्स। तो आइसोमर्स में क्या होता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, कंसिडर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H10 कॉल्ड ब्यूटेन। तो C4H10 कॉल्ड ब्यूटेन, जब हम ब्यूटेन की बात करते हैं, जैसे आइसोमर्स हैं, ब्यूटेन की बात करते हैं जैसे, तो ब्यूटेन में ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H10 कॉल्ड ब्यूटेन। तो जब हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन में, ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये होता है C4H10, है ना, ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब आप ये देखिएगा कि C4H10 हो गया। अब इसके दो अलग अलग केसेस बन सकते हैं, तो एक केस देखते हैं। C4 कार्बन 1 2 3 4, तो चार तो कार्बन हो गए, ठीक है, और फिर 10 ऐसे ही आप सिंपली कनेक्ट कर दीजिए, सिंपली आप अटैच कर दीजिए, तो H H H H H H H और इधर सिंगल बॉन्ड है, तो इधर तीन बनेंगे, तीन बॉन्ड्स इधर बन गए, H H H, ये हो गया, तो ये बन गया C4H10। इसके अलावा हम ये देखेंगे, अच्छा इसको जैसे ये ब्यूटेन बना है, तो ब्यूटेन क्या बना है, ब्यूटेन का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है ये, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन मतलब स्मॉल n इज फॉर नॉर्मल, और आगे ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन मतलब एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, ये हो गया।
ठीक है जी। इसके बाद सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में है कि यहां पर हम एक काम करेंगे, हम एक काम करेंगे, जैसे ये नॉर्मल ब्यूटेन था, तो नॉर्मल ब्यूटेन में तो चार कार्बन एटम एक के पीछे एक जुड़े हुए थे। अब आप क्या करेंगे कि चार कार्बन एटम में से एक कार्बन एटम हटा देंगे, ठीक है? तो ऐसे कर देंगे, तो तीन कार्बन एटम रह गए, और आप एक कार्बन को ऐसे नीचे ले आएंगे, एक कार्बन यहाँ नीचे आ गया, तो तीन कार्बन और एक कार्बन यहाँ नीचे आ गया। अब क्या करेंगे कि जैसे तीन कार्बन आए, आपने हाइड्रोजन 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 मतलब एक साइड चेन बना ली आपने, और इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं इस वाले के, 1 2 3, तो यहाँ पर बस एक हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। इस कार्बन के कितने बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो तीन और बनेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हो गया। तो अब हम ये देखें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3, तो तीन कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। तो ये जो है ये हो गई इसकी साइड चेन, साइड चेन हो गई। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हो गई तीन कार्बन एटम की, और ये इसकी साइड चेन हो गई। तो साइड चेन में मैं देख रहा हूँ क्या है, साइड चेन में है मिथाइल, मिथाइल मतलब CH3, सिर्फ इतना ही है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये बोला 1, ये 2 और ये 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो तीन कार्बन एटम की है। क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे केमिकल नेम और IUPAC नेम। IUPAC होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो केमिकल नेम और IUPAC नेम, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और देखते हैं कि जब भी कभी हमारे पास जो मेन हाइड्रोकार्बन था, मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड था, वो क्या था, ब्यूटेन था, ठीक है। तो ब्यूटेन में अब आपने क्या करा कि एक जो CH3 था वो हटाकर और आपने साइड चेन के तौर पर लगा दिया। तो साइड चेन में जब कभी एक साइड चेन लगती है, सिर्फ एक साइड चेन, तो उसको बोलते हैं आइसो, इसको कहेंगे कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा। ओरिजिनली अगर आप यहां पर भी काउंट करेंगे ना, तो ओरिजिनली यहां पर भी 1 2 3 4 चार कार्बन एटम है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन अब भी 10 ही है, ठीक है, कार्बन अब भी 4 ही है, मतलब C4H10 ब्यूटेन वाला ही है। तो कॉमन नेम इसका क्या होता है, आइसो ब्यूटेन, आइसो आइसोब्यूटेन, ये इसका कॉमन नेम होता है। बताइए जी, सभी को क्लियर इतना, हाँ ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया आइसोब्यूटेन। नोट, आइसोमरिज्म इज पॉसिबल ओनली विद हाइड्रोकार्बन्स हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम्स। तो आइसोमरिज्म तभी पॉसिबल होता है, उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ पॉसिबल होता है जिसमें जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं, उन्हीं के साथ आइसोमरिज्म पॉसिबल होता है। बताइए जी, क्लियर है, ठीक है। अब देखिएगा, एज टू माई आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन आर पॉसिबल, ब्यूटेन के दो ही आइसोमर बन पाते हैं, दो ही आइसोमर पॉसिबल हैं। अब मोबाइल में क्या देख रहे हो, अब तो नोट्स हैं, हाँ अच्छा। तो एज टू माई आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन आर पॉसिबल, तो ब्यूटेन के तो दो ही आइसोमर पॉसिबल हैं, और जब हम पेंटेन की बात करते हैं C5H12, तो उसके तीन आइसोमर पॉसिबल हैं, और जब हम हेक्सेन की बात करते हैं C6H14, तो इसके 5 आइसोमर्स पॉसिबल हैं।
तो इनमें ना कोई फॉर्मूला नहीं होता कि हम किसी का फॉर्मूला देखें, कंपाउंड का फॉर्मूला देखें और ये बता दें कि उसके कितने आइसोमर पॉसिबल हैं। ये नहीं, देखकर नहीं बताया जा सकता इसको, जो है इसको करके ही बताया जा सकता है, मतलब स्ट्रक्चर्स बनाकर ही बता सकते हैं कि कितने स्ट्रक्चर्स बन पाएंगे। अच्छा, वी कैन से दैट एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एन एल्केन इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इंक्रीजेस रैपिडली। तो जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो आइसोमर्स की क्वांटिटी भी धीरे धीरे उसी तरह से बढ़ती चली जाती है। अच्छा, पेज नंबर 21 पर आइए। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन। तो पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन के जितने भी आइसोमर्स हैं उनका जितना जो भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो सब बनाकर दिखाइए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पेंटेन बोल रहे हैं, पेंटेन का मतलब पांच कार्बन एटम होंगे एंड इट इज एन एल्केन, है ना, पांच कार्बन एटम होंगे और एल्केन होगा। तो C5 और हाइड्रोजन एटम कितना, डबल से दो ज्यादा, यानी कि 10 से दो ज्यादा, तो 12 हो गया C5H12। फर्स्ट आइसोमर देखेंगे पेंटेन का, पेंटेन मतलब वही C5H12। तो पांच तो कार्बन एटम हो गए, फिर इसका सिंगल बॉन्ड है तो तीन बॉन्ड और बनेंगे, चार बनते हैं ना टोटल। इसका एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड बन गए तो दो और बनेंगे H और H। इसका एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, यानी कि दो बन गए तो दो और बनेंगे, एक एच ऊपर एक एच नीचे। इसका एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक एच ऊपर एक एच नीचे। इसका सिंगल बॉन्ड इधर तो तीन बॉन्ड और बनेंगे, एच एच और एच, ये हो गया। ठीक है, तो अगर काउंट करें कार्बन कितने हैं, तो पांच तो कार्बन एटम हो गए और हाइड्रोजन हो गए 12। ठीक है, तो ऐसे में हम ये बोलेंगे कि इसको कहेंगे नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, ये इसका नाम है। ठीक है, तो फर्स्ट आइसोमर हो गया। सेकंड आइसोमर देखते हैं जरा, सेकंड आइसोमर इसमें हमें क्या करना होगा कि जैसे हमारे पास पांच की चेन है ना, तो पांच में से एक कार्बन जो है वो हटा देंगे, एक कार्बन हटा देंगे, एक साइड चेन के तौर पर उसको लगा देंगे। कैसे, ये पांच थे तो अब लिखेंगे आप चार, तो 1, 2, 3 और 4, तो चार कार्बन एटम हो गए। और फिर आप हाइड्रो एक कार्बन यहां लगा दो, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास कितने कार्बन एटम है, हमारे पास टोटल पांच कार्बन एटम थे, तो चार हमने बना दिए और एक को हमने साइड चेन के तौर पर यहाँ पर नीचे लगा दिया। कहीं पर भी लगा सकते हो, आपका मन करे तो आप इसको यहाँ लगा सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्लेस पर नहीं लगा सकते, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर अगर आप लगाओगे ना तो फर्स्ट प्लेस पर वो क्या हो जाएगा, मैं भी बताता हूँ। पहले ये वाला देखो, फर्स्ट प्लेस पर से तो हमने हटाया ही है उसको, फर्स्ट प्लेस पर से तो हमने हटाया ही है। तो आप कहोगे कि मैंने ना इस कोने से हटाकर इस कोने से लगा, इस कोने पर लगा दिया, तो भी तो वही बात होगी। आप काउंट करोगे तब भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पांच की बन जाएगी। हमें कैसे भी देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पांच कार्बन एटम की नहीं बननी चाहिए। हम ये कहेंगे कि ऐसे चाहेंगे 1, 2, 3, 4, तो चार की बन गई। हम ये कहेंगे कि नहीं मुड़ जाओ, तो 1, 2, 3, 4 तब भी चार की बन रही है, पांच की तो नहीं बन पा रही ना। पांच के लिए क्या करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 यूं करके और फिर इस पर वापस आना पड़ेगा, और वापस आना पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आपको बिना पेन उठाए सीधे सीधे एक लाइन में ही चलना है। अब वो एक लाइन ऐसे सीधे हो सकती है, ऐसे मुड़ सकती है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे जाकर ऐसे वापस नहीं आ सकती। ठीक है, और टेढ़ी नहीं जा सकती। ठीक, मुड़ सकती है मतलब आपको पेन ना उठाना पड़े, ऐसे 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 जा सकती है। ठीक है, वापस नहीं जा सकती। आप ये कहें कि ऐसे जा रही है, ऐसे जाकर आप डायरेक्टली ऐसे ले आ रहे हो, भी बॉन्ड थोड़ी है, ऐसे थोड़ी बन रहा है कोई बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड्स को ही फॉलो करते हुए आपको देखना है कि सबसे लंबी चेन कितने की बन रही है, तो चार की बन रही है। तो चार का मतलब पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो गया ब्यूटेन, चार का मतलब पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो गया ब्यूटेन।
ठीक है। और जब हम साइड चेन की बात करते हैं तो साइड चेन है CH3, तो अब जरा नंबरिंग करो, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो CH3 थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, और अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, अच्छा तब ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। मिथाइल कहाँ आ रहा है? सेकंड पोजीशन पर। तो क्या लिखेंगे? IUPAC नेम। ये हो गया 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसको केमिकल नेम भी बोलते हैं, IUPAC नेम को हम केमिकल नेम भी बोलते हैं। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? जब भी कभी एक बड़ा हाइड्रोकार्बन है उसमें से एक साइड चेन निकालकर, सिर्फ एक साइड चेन कहीं लगा देते हैं, साइड में लगा देते हैं एक चेन निकालकर एल्काइल ग्रुप की, तो वो कहलाता है आइसो। मतलब ये क्या था? ये ब्यूटेन ही था ना, तो एक साइड चेन लगी यहां पर, तो वैसे तो प्रोपेन रह गया, लेकिन क्या बोलेंगे? आइसो ब्यूटेन। इसी तरह से यहां पर एक साइड चेन लगी है तो क्या बोलेंगे? आइसो, ओरिजिनली क्या था? पेंटेन, तो ओरिजिनल नाम भी देखेंगे आइसो पेंटेन, तो इसको कहेंगे इसका कॉमन नेम। बोलिए, समझ गए? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर है? ठीक है, अच्छा। इसके बाद जरा देखिएगा इसका, ये तो दूसरा आइसोमर बना, तीसरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड आइसोमर, तो थर्ड आइसोमर में आप ये सोचिए कि यही चार आपने कार्बन एटम रखे और इस CH3 को उठाकर यहाँ लगा दिया, कोई फायदा थोड़ी है। CH3 को अगर यहाँ भी लगा दिया तो भी क्या होगा? रहेगा तो वो चलो ब्यूटेन, कोई बात नहीं, लेकिन इसका नाम फिर टू, तब भी तो 2 मिथाइल ब्यूटेन ही रहेगा, क्योंकि तब मैं राइट से काउंटिंग करके लेफ्ट से काउंटिंग करूंगा, तब मिथाइल ग्रुप सेकेंड पोजिशन पर यहाँ से आ जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा, तो तब बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। बताइए, क्लियर? समझ रहे हैं? तो ऐसे तो नहीं करा जा सकता। फिर क्या करेंगे? एक कार्बन एटम और घटाकर देखते हैं, तो 3 कार्बन एटम की चेन बना लो। अब तो 3 कार्बन एटम की चेन बनाई, बनाएंगे तो 2 मिथाइल ग्रुप अलग अलग निकालने पड़ेंगे, तो 1 मिथाइल ग्रुप यहां लगा दो, 1 मिथाइल ग्रुप यहां लगा दो। ठीक है, ठीक। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर तो हमने अभी देखा था, तो आप ये देखिएगा क्या हो गया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन एटम की हो गई, और ये साइड चेन हो गई एक, और एक साइड चेन ये हो गई, 1 2 3। इधर से काउंट करोगे तब भी ये दोनों साइड चेन सेकंड पोजीशन पर ही आएगी, तो क्या बोलेंगे? टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन। ये तो हुआ IUPAC नेम और कॉमन नेम। जिनमें भी 2 साइड चेन्स आ जाती हैं उनका कॉमन नेम के आगे, जो उनका ओरिजिनल नाम है उसके आगे नियो लगा देते हैं बस, तो ये हो जाएगा नियो पेंटेन, ये हो जाएगा नियो पेंटेन। ठीक है, हाँ। तो आइसोमरिज्म में अभी इतना ही करिए, बाकी और भी 2 एक क्वेश्चंस करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही करिए। और संडे को है भाई आप लोगों का टेस्ट, ये सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का, ठीक है? तो प्रिपेयर रहिएगा।